इन आंकड़ों से अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। आलोक जी, मैं चाहूंगी एक एक क्विक रिस्पॉन्स आप सभी लोगों का। अब कम से कम बीजेपी और कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद नहीं बची है इन रुझानों के आंकड़े सामने आने के बाद। आलोक जी, देखिए कांग्रेस के लिए तो कोई उम्मीद नहीं बची है और आम आदमी पार्टी का स्पष्ट बहुमत जो हम एग्जिट पोल में और पूरे जनता का जो मूड दिखाई दे रहा था कई महीनों से वो सही साबित हो रहा है। ये ठीक है कि फिर भी प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं बीजेपी यदि जो रुझान दिखा रहे हैं यदि वो 15 सीट तक जाती है जैसे सर्वे में भी कहा गया हो गई है उस दृष्टि से वो उसकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए जो हाईकमान ने कोशिश किया उसका कुछ नतीजा सामने आया। शशि जी, हाईकमान की कोशिशों का नतीजा है 16 सीटें बीजेपी को। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से अमित शाह जूझ गए तो वो इशारा कर रहा था कि हालात प्रतिकूल हैं और वो किसी तरीके से पार्टी को एक सम्मानजनक स्थिति में लाकर खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन चित्रा, मुझे अभी भी लगता है कि अगले 1.5 घंटे बहुत क्रूशियल हैं। ये सही है कि गैप बहुत ज़्यादा है, ये सही है कि हवा से कहीं भी नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को कोई खतरा है, पर अभी भी 1.5 घंटा में इंतजार करना चाहिए। ये मेरी पुरानी ट्रेनिंग के आधार पर मैं ठीक है। हरीश खुराना साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और जैस्मिन शाह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जल्दी से खुराना साहब एक कमेंट लेते हुए, ये जो 16 सीटों पर रुझानों के मुताबिक फिलहाल आप आगे दिख रहे हैं, शाहीन बाग पर मुहर मानेंगे क्या इसे? देखिए अंजना, अभी 1 घंटा और रुकिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार का जोश मैंने 93 से चुनाव देखता हुआ आ रहा हूँ और मैंने 2015 का चुनाव भी देखा था, इस चुनाव में और पिछले चुनावों में बहुत फर्क इसलिए मेरे को नजर आता है कि 2015 के अंदर आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स के अंदर जोश था। और ट्रस्ट मी, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि 2020 के चुनावों के अंदर मैं भी 3-4 विधानसभा के अंदर रहा और जिस प्रकार का जोश भारतीय जनता पार्टी की टेबलों पे और लोगों के में बीच में रहा था, मुझे लगता है कि वो जो जोश है वो आज मत के रूप में आएगा जरूर। मेरे ख्याल से 1 घंटा हमें और इंतजार करना चाहिए इस प्रॉपर ट्रेंड का, क्योंकि ये भी शुरुआती रुझान है। लेकिन मुझे आज अभी भी यकीन है कि हम 40+ सीटें अंजना आएंगे। समझ में नहीं आती है, एक तरफ जिस दिन काउंटिंग चल रही थी आप लोगों का कहना कि 3 बजे के बाद के नतीजों पर आंकड़ों पर आप नजर डालिए क्योंकि 3 बजे के बाद हमारा वोटर घर से बाहर निकला और उसने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। अभी अब चूंकि 1 घंटे होने जा रहे हैं, 16 और 53 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि अभी उम्मीदें जिंदा हैं आपकी। अंजना, उसका कारण है, मैंने तो अपनी आंखों देखी, देखा कि जिस प्रकार का जोश लोगों के अंदर था, एक एक व्यक्ति जो हमें मिल रहा था और नारे लगा रहा था जय श्री राम के और हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, मैं कैसे यकीन करूं कि इतना बुरा जो आप परिणाम बोल रहे हो वो आएगा। हमें आज भी यकीन है क्योंकि उसका कारण है, जिस प्रकार का, अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि 5 साल का शासन कैसा रहा कैसा नहीं रहा, वो तो अगले घंटे में पता लग जाएगा। लोगों ने नारे लगाए, सिर्फ लोगों के जो रिएक्शन थे, लोगों का जो जोश था, जिन लोगों ने नारे लगाए जय श्री राम के, सिर्फ उन्होंने ही बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। अंजना, मैंने 90 से चुनाव देखता आ रहा हूँ, अंजना मैं 93 से चुनाव देखता हुआ आ रहा हूँ, 93 से चुनाव देखता आ रहा हूँ। मैंने अपने पिताजी का चुनाव भी देखा, खुराना जी का चुनाव भी देखा और लास्ट चुनाव भी देखा। लेकिन जिस प्रकार का जोश लोगों के अंदर इस चुनाव में था वो यकीनन 2015 में नहीं था। ठीक है, 2015 में नहीं था, इसलिए मुझे लगता है कि 2015 और 2020 में बहुत फर्क है जी। लेकिन जैस्मिन, आप अपनी बात भी कहिए, 53 देखिए ऊपर वाला जो बड़ा बड़ा आंकड़ा है उसमें तो 53 के रुझानों के मुताबिक आप बहुत अच्छी तरह से सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके नीचे जो छोटा वाला नंबर है दोनों, इधर -14 और उधर बीजेपी की तरफ +13, ये क्या इशारा कर रहा है जैस्मिन जी? देखिए मैं इस पे आ जाता हूँ, लेकिन मुझे हंसी आ रही थी इनकी बात सुनकर कि वो बात सही है उनकी कि 2015 में हमारे पास हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स थे, लेकिन ये आज भूल गए हैं कि 5 साल के ऐतिहासिक काम के बाद आज हमारे 2 करोड़ लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं और हमारे कार्यकर्ता। हमारा प्रचार हमारे कार्यकर्ताओं ने नहीं किया, दिल्ली के लोगों ने किया और आप बखूबी जानती हैं, आपके रिपोर्टर्स ने कवर किया ग्राउंड में, जहाँ जहाँ जाऊँ लोग कह रहे हैं कि पहली बार किसी सरकार ने हमारे मुद्दों की राजनीति की, काम की राजनीति की है। और जबकि ये आंकड़े के सवाल है,
मैं ज़रूर कहूँगा कि ये आंकड़े और करेक्ट होंगे। आप देखिए कि 60 से पार, जब कुछ ही मिनटों में 60 से पार भी होने वाले हैं, और इससे बड़ा सबक भाजपा को नहीं मिलेगा कि आप अपनी गंदी राजनीति, नफरत वाली राजनीति छोड़ दें। अभी भी आप अपनी दुनिया से बाहर निकलें, आपको जो लग रहा है कि लोग नारे लगाने से आपको वोट देंगे, जी नहीं, आपके लोग भी जो नारे लगा रहे थे अंतिम दिन में जाकर उन्होंने झाड़ू पर वोट दिया है, और वो सच्चाई आप भी जान जाएंगे। कुछ मिनटों का बस इंतजार कीजिए। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने पर वोट दिया, हनुमान चालीसा पढ़ने से और इनके बाद उसकी जो अपमान किया है भाजपा ने, आज उनका कहर बरसने वाला है। आप देख लीजिए, कुछ ही मिनट में साफ हो जाएगा, बजरंगबली जी ने भाजपा की लंका जला डाली है दिल्ली में, वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इतना अपमान किया उन्होंने हनुमान जी का, जल्दी से और काम का जो अपमान किया है कि काम की राजनीति को छोड़कर जो नफरत वाली राजनीति उन्होंने पिछले 15-20 दिनों में जो अपनाई है उसका आपको मुखिया पहुंच रहे हैं, वहीं की तस्वीरें दिखा रही हूं। देखिए अरविंद केजरीवाल, आप दफ्तर पहुंच रहे हैं, 12 सीटों का 15 रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हुए, और 54 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, और एक की पर रुझानों के मुताबिक बढ़त कांग्रेस पार्टी लगातार बनाई हुई है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंच रहे हैं, जबरदस्त इंतजाम है, नीले और सफ़ेद गुब्बारों के बीच क्या वो कहते हैं, इससे पहले के भी भाषण जब जब वो जीत के बाद दिया है उन्होंने, तो परिवार भी साथ रहा है, और मुझे लगता है एक बार फिर उनके पिता, उनकी पत्नी सब उनके साथ जा रहे हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष लगातार उनको कवर कर रहे हैं, यहाँ पर गाड़ी पहुँच गई है। ये मनीष सिसोदिया की तस्वीर आप देख रहे थे। आम आदमी पार्टी के लिए ये जीत का लम्हा बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस तरह की राजनीति चल रही थी उन सब के बीच उनका ये जोर था कि काम के बल बूते हम वोटर के पास जा रहे हैं, और ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी दफ्तर, आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 26 नवंबर 2000 पार्टी को आपका गठन किया, जन्म हुआ उस दिन 26 नवंबर 2012 को इंडिया अगेंस्ट करप्शन की कोर टीम ने बहुमत के साथ राजनीति में उतरने का फैसला किया था। आपको बता दें आम आदमी पार्टी के दफ्तर की जब ये तस्वीरें प्रचंड जीत के साथ आगे बढ़ती हैं, तो जरा उसके इतिहास को भी टटोलना और देखना बेहद जरूरी हो जाता है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त पहुंच चुके हैं, आप दफ्तर से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, वहां पर मनीष सिसोदिया और उनके तमाम वो चेहरे जो कि एक बार फिर से चुनावी मैदान में है वो पहले से ही मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल का इंतजार किया जा रहा था, कुछ ही देर में जैसे ही ये आंकड़े और बढ़ते हैं या फिर स्थिर हो जाते हैं, उसके बाद उम्मीद यही कि आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल की ओर से ट्वीट करके या वीडियो संदेश के जरिए अपनी बात जरूर पहुंचाई जाएगी। कुल मिलाकर महत्वपूर्ण यह भी आपको बता दें कि एकमात्र आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने दिल्ली की 70 की 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, क्योंकि बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो उसने 67 सीटों पर चुनाव लड़ा, 2 सीटें जेडीयू को दी, 1 सीट उसने दी थी एलजेपी को, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 66 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 सीटें उसने दे दी सहयोगी के पास, अपने सहयोगी आरजेडी को। बिल्कुल आशुतोष मिश्रा, आशुतोष आपके लिए लॉन में अरेंजमेंट किया गया है, आप लोग लॉन में आ जाएं, और जितने लोग और भी